प्राचीन काल में प्रियमवद नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। शादी के काफी समय हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों दुखी रहते। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कई जतन किए, जिसके बाद उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियमवद की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा भी काफी खुश हुई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, लेकिन उन्हें मृत पुत्र जन्म हुआ। उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब राजा प्राण त्यागने चले तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियमवद से कहा कि वो षष्ठी देवी हैं और लोगों को पुत्र का सौभाग्य देती हैं। इसके साथ ही जो लोग मेरी सच्चे मन से आराधना करते हैं, मैं उनकी सभी मनोकामना पूरी करती हूँ। अगर राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान दूंगी। देवी की आज्ञा मानकर राजा प्रियमवद ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया। इसके फलस्वरूप राजा की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि तभी से छठ पर्व मनाया जाने लगा। जो व्यक्ति छठ पर्व की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखता है तो छठी मैया उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं।